हेलो फ्रेंड्स, आपनकर फेवरेट यूट्यूब चैनल सरसा ट्यूटोरियल सागो जणौची। आज आम आलोचना करबा मैथ्र प्राक्टिस सेट 3 जो थे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करबा। तो आपण माने वीडियो टिकु प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखिबे जो थे कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपण माने पाई परिबे। चलंतु आज फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी होउची ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डबल टू वन लीव्स ए रिमाइंडर 64। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दि सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। कौन कही कौन सी संख्या जिते बड़े 221 द्वारा विभाजित हुए सेते बड़े 64 भागशेष रुए। जदि से संख्याटी 13 द्वारा विभाजित करा जाए तेबे केते भागशेष रहइबो सेटा हमको मागी कौन कही हमको जदि भागशेष 64 रहउची ता माने एमती सब क्वेश्चन को आपन कौन करबे जो भागशेष रहला 64 को कहा द्वारा हरण करेंगे जहा द्वारा आपको मागिजे 13 द्वारा विभाजित कले के भागशेष रहा 13 द्वारा जब भाग करा कौन कर 13 पंचांग पंचषठी तो 13 चौ पक 13 चौ 52 तो ये रहा के 12 तो भागशेष कौटा हम ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी कौन कहते देखी दिंतु दि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम दियर एचसीएफ। The sum of LCM and HCF is 125. If one of the number is 100 and the other number is question टी कौन कही प्रथम भल भाव बुझी दिंतु कौन सी संख्यार एलसीएम एलसीएम अर्थात लसागु कौन सी दुईट संख्यार लसागु गसागुर 4 गुण अटे। लसागु एवं गसागुर जगफल जदि 125 हुए एवं गोटे संख्या जदि 100 हुए तेबे अन्य संख्याटी केते क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम बुझाप कहपर आम सल्यूसन किंतु आम यार इजिली सल्व करा कौन कही से प्रथम एलसीएम हो 4 गुणा कहार एच सी एफ रसागुर पुणी आमको कौन कही एलसीएम प्लस एच सी एफ रगफल के 125 कही दुईटा संख्या गोटे संख्या ए जदि हुए आ गोटे संख्या बी जदि हुए तो गोटे संख्या आमको 100 दे तो आमको ए बी बीटा के बाहर से बाहर करार अच्छी। चलतु यटा केमती आम सल्व करवा कौन कही एलसीएम हो एचसीएफ रारि गुणा तालोले आम एचसीएफ को प्रथम एक्स धरीद एचसीएफ को जब आम एक्स धरवा तो एलसीएम आमर के एलसीएम आसीगला के एलसीएम आसीगला 4 गुणा 4x आसीगला से आमको कौन कही दुईटार जगफल 125 यटार जगफल के दुईटा 5x 5x रैल्यू के आमको 125 दे तो एक्स रैल्यू के आसीज 25 पंचांग 125 तो एक्स रैल्यू आसीगला के 25 एक्स रैल्यू जब 25 है आमको आउ गोटे जिनस आम फर्मूला कौन जाने गोटे संख्या जब दे तो आम गोटे फर्मूला आमको जना अच्छी एलसीएम पढ़ला बेले आम शिखी लसागु गुणन गसागुर गुणफल समान संख्या दुईटर गुणफल सहित समान संख्या गोटे के 100 एवं अन्य संख्याटी के संख्या दुईटर गुणफल सहित समान। देखु आमर एचसीएफ के आसला एचसीएफ को आम एक्स धरीते तो एचसीएफ के आसला एक्स रैल्यू 25 बाहरी तो एलसीएम के हम एलसीएम 4 गुणा 25 गुण 4 जे के 100 तो एलसीएम जगार 100 बसई दिंतु एचसीएफ जगार आम 25 बसेवा एवं गोटे संख्या आमको 100 दे तो ये बी संख्याटी को बाहर करार अच्छे। देखो ये गोटे ये 100 ये 100 कटिला तो एचसीएफ सॉरी आमर अन्य संख्याटी के आसला 25 जोटा कि ऑप्शन बी हम आमर राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा तीन नंबर क्वेश्चन कौन कहे देख दिंतु तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। तुलसीराम सेव 720 हुई चीज 4% ऑफ हिज सैलरी देन कश्यप सैलरी इज क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव बुझी दिंतु तुलसीराम सैलरी बा तुलसीराम दरमा होची कश्यप्र दरमार कूड़े कश्यप्र दरमा ठार कूड़े शतकड़ा अधिका जदि तुलसीराम 720 टंका सेव करुची बा संचय करुची जहाँकि तार दरमार 4 शतकड़ा अटे। तुलसीराम जहाँ भी दरमा होता तार 4 शतकड़ा जे आमर के 720 टंका तेबे आमको कश्यप्र सैलरी मागिची दुई जन अच्छा किए तुलसीराम अच्छा आउ कश्यप अच्छा कहार सैलरी बेसी अच्छी तुलसीराम सैलरी बेसी अच्छी केते बेसी अच्छी 20 शतकड़ा अधिका अच्छी जदि आम कश्यप्र सैलरी को 100 धरवा तेल यार 20 शतकड़ा अधिका तुलसीराम सैलरी तो तुलसीराम सैलरी के 120 होमको मागिच कौन कश्यप्र सैलरी कश्यप्र सैलरी तेल के
शहे शहे यूनिट बा शहे एक्स रैल्यू आमको मागिच ताले यही शहेर जो भैल्यू बाहर करटा ही कश्यप्र सैलरी। तो आमको आउ गोटे जिनस कौन जदि तुलसीराम सैलरी चारि शतकड़ा जे सात शह कोड़े शहे कोड़े चारि शतकड़ा आमको बाहर करार शहे कोड़े चारि शतकड़ा मान फोर बाय हंड्रेड टा के सांगे सामान सात शह कोड़े सहित सामान अच्छी। तो ये 4% बाहर कर दिंतु ये जदि आम कोड़े काटूचे कोड़े पंचांग शहे कोड़े शहे कोड़े तो ये आसीगला छः चौ चौबीस बाय फाइव एतकी यूनिट को धरीपर एतकी यूनिट जे के सात शह कोड़े सांगे सामान अच्छी। तो आम कहार सैलरी बाहर करार अच्छी कश्यप्र कश्यप्र सैलरी के शहे यूनिट शहे यूनिट रैल्यू बाहर करार अच्छी जदि एक यूनिट रैल्यू बाहर करवा तेल के सात शह कोड़े गुणन के आसीज ये पाँच बै चबीस हो पाँच बै चबीस हो शहे यूनिट मान केवल शहे आउ थे गुणन करवा बासेटा को समाधान करूँ तो आम एनसर बाहर जीव चबीस काटिले चबीस तीर बास्तरी तो ये के आसो पाँच तीन पंद्रह पाँच तीन पंद्रह ये गोटे शून रही पाँच तीन पंद्रह आउ तीन टा शून तेल के पंद्रह हजार होगा कहार सैलरी कश्यप्र सैलरी पंद्रह हजार तेल कौटा हम आम रईट आनसर अप्सन ए हम आम रईट आनसर क्वेश्चन टाक भल भाव बुझे और यार सल्यूशन टी बुझा चेस्टा करेंगे। ये पाँच नंबर क्वेश्चन टा प्राय स्टूडेंट मानक भूल होता है तो ये क्वेश्चन टाक आपने बहुत ध्यान भाव में देखार अच्छे। पूजा वांट टू सेल ए वाच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% She bought it at 10% less and sold it at 30 less, but still she gained 20%. The cost price of the watch is कौन कही ची? पूजा कौनसी एको पूजा एको घंटा को कोड़े शतकड़ा लाभ रे बिक्री करिया को से चाहू चंती किंतु से दस शतकड़ा कम रे किणु चंती से घंटा टाकु एवं एटी आरएस 10 हबो आरएस 30 हबो 30 टंका कोड़े सॉरी दस शतकड़ा कम रे एवं तीस टंका कम रे बिकुचंती तेबे भी तांकर कोड़े शतकड़ा लाभ होउची तेबे से जिनसटार कॉस्ट प्राइस किणा मूल्य केते। तो एमती सब क्वेश्चन को आम के सॉल्व करके देखि दियंतु प्रथम जो कॉस्ट प्राइस अच्छी आम पाखे कॉस्ट प्राइस को केते धरिबा कॉस्ट प्राइस को शहे धरिबा से कौन कही से केते टंका लाभ रे बिकिया को चाहूचंती कोड़े शतकड़ा लाभ में बिकाक चाहूँगी कोड़े कोड़े शतकड़ा लाभ में बिकाक चाहूँ 20% ताने से सेल केते रे कले जाए कोड़े शतकड़ा लाभ हे शहे कोड़े किंतु ये गोटे ट्विस्ट है कौन है से जिनसटा को शहे टाँचा जो कॉस्ट प्राइस थी से शहे टकर न किणी के दस शतकड़ा लेस किणी दस शतकड़ा लेस कम्रे किणी तेल के किणी थी से 90 टकर यहाँ हूँ न्यू कॉस्ट प्राइस न्यू कॉस्ट प्राइस न्यू सीपी एटा कोड़े दस टा सरी दस शतकड़ा कम्रे किणी माने 90 टकर नबे टकर तीस टाँचा कम्रे बिकी तथापि तर कोड़े शतकड़ा गेन होेन के बिक्री करें गेन होड़े शतकड़ा कोड़े शतकड़ा गेन होती 90 टाँचा जिनस के बिकी कोड़े शतकड़ा गेन मान जदि कौन से जिनसटार कॉस्ट प्राइस 90 अच्छी ताकू बिक्री कर लाभ में कोड़े शतकड़ा मान के लिखा 120 बै 100 जहाँ बाहर से कौन सेलिंग प्राइस दुईटा शून उपरे दुई गोटे शून ये गोटे शून दुईटा शून कटिगला 12 नुआ 108 ताहले से एक्चुअल सेलिंग केते रे सेल कर 108 रे सेल कर तो आमर सेलिंग प्राइस हो गला कौन एटा सेलिंग प्राइस टू 108 रे सेल कर तथापि से लाभ करते कोड़े शतकड़ा लाभ कर जो सेलिंग प्राइस टू एवं सेलिंग प्राइस वन यहाँ हूँ सेलिंग प्राइस वन एवं सेलिंग प्राइस टू भितर पार्थक्य केते टंका कही आर एस 30 कही किंतु एक्चुअल रे केते डिफरेंस अच्छी देखि दियंतु केते डिफरेंस अच्छी 12 यूनिट 12 यूनिट रो वैल्यू ताहले 30 संगे समान अच्छी तो एक यूनिट रो वैल्यू केते हि जीवो 30 बाय 12 आमको कौन कही कॉस्ट प्राइस केते एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होची 100 टंका तो आमको 100 यूनिट रे वैल्यू बाहर करियार अछि तो इनटू केते करबा इनटू आमे इनटू 100 कटिबा करबा 4 रे काटिले ई हे जीवो 4 3 12 25 400 3 रे काटिले ये 3 दशांग 30 तो 250 टंका होसी से वाच टीरो
कॉस्ट प्राइस जोड़ा कि ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर। छह नंबर क्वेश्चन देखि दंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि एटा होची एवरेज रो क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 0.75 केजी व्हेन वन स्टूडेंट ऑफ 35 केजी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू स्टूडेंट वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज कौन कहिची। क्वेश्चन टी को भल भाव बुझि निंतु 20 जन छात्र छात्री हाराहारी ओजन 0.75 केजी बढ़ी जाउची जेते बेले जणे 35 केजी ओजन थिबा स्टूडेंट को बदला जाउची 35 केजी ओजन थिबा गुटे स्टूडेंट को आ गुटे न्यू स्टूडेंट बा नुआ छात्र द्वारा बदलै दिया जाउची से तेबे जो नुआ छात्रटी को एंट्री आमे देइजे बा नुआ छात्रटी जोडा आसी चंती तांकर ओजन केते एमती सब क्वेश्चन को आपण माने कोन करबे आमो पाखरे केते थिले 20 जन छात्र छात्री थिले जणकर ओजन केते बडुची 0.75 लेखा बडुची तो 20 जणकर केते बडिवो 20 जणकर बडिवो केते ये जदी एटा को 2 रे काटि 2 रे गुणन करबा केते हबो ए पॉइंट को उठै देखिबे आमे लेखि परबा ए जदी आमे पॉइंट को उठैबा केते जीव तळे 100 हे जीव तो तळे जदी 100 एटा को 25 रे काटि परबा 25 3 75 25 400 4 रे काटिले 4 पंचांग 20 ताले ओजन केते 15 केजी जो 20 जणकर टोटल ओजन केते बडी जाउची 15 केजी बडुची 20 जणकर टोटल 15 केजी बडुची आमे जो स्टूडेंट को बाहर कर दीजे तार ओजन केते थिला 35 केजी ए दुटा को मिसेले तो हमरो न्यू स्टूडेंट रो ओजन बाहर जीवो दुटा को मिसेले केते हे गेला ये 50 केजी 50 केजी होउची इटा होउची न्यू स्टूडेंट रो ओजन जोडा कि ऑप्शन डी होबो हमरो राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करिबा क्वेश्चन टी 7 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि एटा होची एलिगेशन मिक्सचर रो क्वेश्चन भी कोई पारंती एवं रेशियो प्रोपोर्शन रो क्वेश्चन भी कोई पारंती कौन कहिछि टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली द रेशियो इन व्हिच दिस मिक्सचर बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर कौन कहिछि आम पाखरे दुईटा पात्र अछि ए एवं बी जोउतिरे क्षीर एवं पानी रो अनुपात प्रथम टी रे 4:3 अछि एवं द्वितीय टी रे 2:3 अछि जो दुईटा पात्र रो क्षीर एवं पानी रो मिश्रण को एकाठी करिबा एवं नुआ मिक्सचर बा नुआ मिश्रण प्रस्तुत करिबा जोउतिरे कि क्षीर अधा क्षीर एवं अधा पानी हेइ जिवो ताहले आमे केउ अनुपात रे एई दुईटा मिश्रण को मिसेइबा तो एमती सब क्वेश्चन को आपण कोन करिवे एटी देखि दियंतु आम पाखरे ए जो मिक्सचर जो आमर ए नंबर रो मिक्सचर थिला ए नंबर मिक्सचर रे कोन कोन थिला मिल्क आउ वाटर थिला मिल्क बा खीरो केते भाग थिला 4 भाग थिला एवं पानी केते भाग थिला 3 भाग थिला एवं बी नंबर मिक्सचर रे केते केते परिमाण रे खीरो एवं पानी थिला खीरो एवं वाटर केते परिमाण रे थिला ये 2 भाग थिला बेले एटा 3 भाग एटा को आमे केते अनुपात रे मिसेइबा एवं नुआ मिश्रण जदि सी प्रस्तुत करिबा जो थिरे कि हाफ कोन थिबो हाफ मिल्क थिबो एवं हाफ कोन थिबो हाफ वाटर थिबो एटा वाटर हाफ वाटर थिबो एटा होची हमर क्वेश्चन रो मीनिंग तो हमकु केते अनुपात रे मिसेइबार होची एंती सब क्वेश्चन को आपण माने केमती सॉल्व करिवे एक तो मिल्क को केवल मिल्क को नेबे नचेत केवल वाटर को नेबे तो हमें कोन करिबा एठी भी मिल्क को नै जिबा जो ए नंबर भी मिल्क को नै जिबा बी पात्र रो भी आमे मिल्क को नै जिबा एवं आमे जो आउ गोटे मिश्रण सी प्रस्तुत करिबा सेठी भी आमे मिल्क को नै जिबा तो देखि दियंतु एटी फास्ट रे मिल्क केते थिला मिल्क 4 भाग थिला मिल्क केते थिला 4 भाग टोटल भाग केते दुईटा को मिसै देले 4 3 7 7 हे गला एलिगेशन मिक्सचर फार्मूला ले आमे जेमती सॉल्व करि थाउ तापरे द्वितीय नंबर रे मिल्क केते अछि मिल्क अछि 2 भाग अछि टोटल केते टोटल भाग केते 2 3 5 भाग टोटल 5 भाग ए जो सी मिश्रण प्रस्तुत होउची सेतिरे मिल्क केते कहिची हाफ कहिची ना अधा हमकु कहिची तो आमे तीनटा जाकर मिल्क पाइगले तीनटा जाकर आमे मिल्क पाइगले बस एटा को समाधान करंतु हमर आंसर बाहर जो एलिगेशन मिक्सचर रे कोन कर दम एटू हमटू माइनस करकी एठी लेखा हुए एटू माइनस करकी एठी लेखा हुए तो आमे कोन करिया बडरू छोटो तो आमे जानिने तो आमे कोन करिया 1/2 माइनस 2/5 करिबा एटी अनुपात चिन्ह बसेले 4/7 माइनस 1/2 कले
तो ये बड़ छोट किसी लिखबार ना आमको जो माइनास हो माइनास को काटिदेवार अच्छे माइनास को आमको कैलकुलेशन रे नवा ना तो पाँच आ दुईर लसाउ के दस हो ये फाइव ये पाँच रे दुई गुणन कले के हे फोर है अनुपात चिन्ह सात दुणे के आसला चौदह ये लसा को चौदह हो गला ये ताले चार दुणे आठ माइनास सात के सात तो यहाँ के देखि दिंतु यार यटा को समाधान कले के आसीज एक विभक्त दस आसो अनुपात चिन्ह बसंतु ये एक विभक्त चौदह हो गला तो यहाँ को जी आम काटा यहाँ को आम वज्र गुणन कर दिंतु वज्र गुणन कर दिंतु ये फोर्टीन इज टू के टेन है तो यहाँ छोट करदे के हे यही अनुपात तो ना या छोट करके लिखाई दुई संतांग चौदह दुई पंचांग दस सात अनुपात पाँच हे जोटा कि ऑप्शन ए हे आमर राइट आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन देखु दि प्रेजेंट एजेस ऑफ टू पर्सन्स आर 36 एंड 50 इयर्स रेस्पेक्टिवली इफ आफ्टर एन इयर्स दि रेसियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4 देन दि वैल्यू ऑफ एन इज क्वेश्चन टी कौन कह प्रथम भल भाव में बुझी नि दि प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन दुई जन व्यक्ति वर्तमान बयस जनकर 36 वर्ष आउ जनकर 50 वर्ष जदि एन वर्ष पर सेमानकर बयसर रेशियो बा अनुपात तीन अनुपात चार हुए तीन अनुपात चार हुए तेबे एई एन रो वैल्यू आमको मागिची वर्तमान बयस केते देची आमको जणे व्यक्तिंकर 36 वर्ष देची आउ जणकर केते देची 50 वर्ष तो एन वर्ष पर से मागिची ना एन वर्ष पर तो प्रत्येकंक पाखरे केते एन वर्ष जोग हे जीवो तो सेमानकर रेशियोडा केते हे जाईची तीन अनुपात चार होटा को वज्र गुणन करूँ आपणकर एन रैल्यू बाहर जीवटा को वज्र गुणन मैंने चार को गुणन करवा तीन को तले गुणन करवा चार को चार गुण छतीस को चार गुणन कले चार चबीस चार हाथ लगा दुई चार तीन बार तेरह चौदह प्लस के आसला ये फोर एन आसला ये फिफ्टी आउ थ्री गुणन कले 150 हो प्लस के थ्री एन हो 3n लेफ्ट साइड को आसिले केते हे जीवो 4n रु माइनस 3n गले ओनली n बंचिवो 150 अछि 150 ये 144 एपड को जाई कोन हे जीवो माइनस हे जीवो 150 रु 144 गले 6 आसीबो तो n रो वैल्यू केते 6 जोडा कि हमरो ऑप्शन सी हबो हमरो राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करबा 9 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ आरएस 25,000 एंड स्टार्टेड ए बिजनेस joined him after 1 year with an amount of 30,000 after 2 years from starting the business they earn the profit of 46,000 what will be share in the profit eti gute jinso missing achi ki join karchi b join karchi question ko bhal bhabare bujhiniantu e kon karuchi 25,000 invest kari ba binijog kari gote business arambh kale गोटे वर्ष पर किए जॉइन करुची बी जॉइन करुची केते विनियोग करी 30,000 टंका पूंजी विनियोग करी बी ए सहित से जग दौची केते वर्ष पर गोटे वर्ष पर किंतु दुई वर्ष पर से माने 46,000 टंका लाभ पाई तेबे बी रो लाभर अंश केते बी केते वर्षर लाभ पाइबो ताले 1 इयर रो केवल पाइबो किंतु ए समुदाय केते दुई वर्ष पर्यंत विनियोग करिची ताहले एटा को आम के लिखा देखी दिंतु ए आउ बी पूंजी विनियोग करते ए हूँ 25,000 टंका पूंजी विनियोग करते पूंजी विनियोग कर 30,000 टंका से कैपिटल इन्वेस्ट करते वर्ष पाई ए टोटल दुई वर्ष माने 24 मास लिखिपर आउ बी केते वर्ष पाई बी केवल एक वर्ष माने 12 मास ये टू इयर आउ वन इयर भी आम लिखिपारी था आपने टू इयर आउ वन इयर लिखिपारे तो यहाँ को आम दुई में काटि सरी 12 में काटिदे 12 दुणे 24 प्रथम ये तीन टा शून काटि दिंतु पाँच में काटिले पाँच पंचा 25 530 पुणी दुई में काटिपर दुई तीन 6 तो ये ए पाँच भाग पाइला बेले बी के भाग पाइब तीन भाग पाइब आमको कहार सेयार मागिच बी रेयार मागिच बी रेयार जे के भाग तीन भाग टोटल शेयर केयार जमी बाहर करा जाए तीन भाग टोटल शेयर है 8 भाग गुण टोटाल प्रॉफिट के 46,000 अच्छी 46,000 यटाक चार काटि दिंतु चार दुणे 8 चार के 4 15 14 के 60 आउ दुईटा शून रहा दुई में काटिपर आम दुई पंचांग 10 दुई संतांग 14 दुई पंचांग 10 शून तीन गुणन कर दिंतु
तीन शून्य शून तीन पंचा पंद्रह रु पांच एक तीन सतां एक बैश रु दुई हाथ दुई तीन पंचा पंद्रह षोह सतर सतर हजार दुईश पचास सतर हजार दुईश पचास अप्सन अच्छी जोटा कि अप्सन सी हम आम राइट आंसर। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। दस नंबर क्वेश्चन कौन कहते देखी दिखाँ ए मेन बाय ए टीवी प्राइस एट 16,000 हि पेज 4,000 एट वन एंड द रेस्ट आफ्टर 15 मंथ ऑन व्हिच हि चार्जेस ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर द टोटल अमाउंट हि पेज फॉर द टीवी इज कौन कही जड़े व्यक्ति एक टीवी को क्रय करते टकर 16,000 टकर किंतु से प्रथमे 4,000 टंका दे दउचंती आउ अवशिष्ट टंका को से 15 मास सरल सुधरे से देवे 15 मास सरल सुधरे देवे सरल सुधर हार केते होची 12% सरल सुधर हार तेबे टोट से टीवीटारो टीवीटा जो से किणिले टोटल केते टंका से देले प्रथमे देखि दंतु से प्रथमे टीवीटारो दाम थिला केते टंका 16,000 टंका किंतु से दे देले केते 4,000 टंका प्रथमे डाउन पेमेंट भलियाटा 4,000 टंका दे देले तांको पाखरे आउ बंचिला केते तांको आउ केते दबार थिला ए 12,000 टंका को से इंटरेस्ट आकार देवे ताहले हमर प्रिंसिपल केते हेगला प्रिंसिपल 12,000 टंका हेगला रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हेगला 12% टाइम केते मास 15 मास 15 मास को आमे केमते लिखि परिया 15/12 ईयर लिखि परिया जहां भी थिवो ताकु ईयर रे कन्वर्ट करिवे हेले आपनकु सुविधा हबो। तो आमको कौन दबार अछि टोटल एसआई केते देछि बाहर करिवार अछि एसआई सरल सुधर सरल सुधर फर्मूला आम कौन जाचे सरल सुधर फर्मूला हूँ पीटीआर वाई 100 पी के 12,000 टंका पीटी टाइम के 15/12 वर्ष आर के अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% डिवाइडेड बाय के 100 ए बार कटिगला ये दुईटा शून युटा शून्य काटि दिंतु तो 120 गुणन 15 प्रथम तो गोटे शून बस 15 × 30 रु शून्य हाथ ला 3 × 15 = 15 1800 एटा कौन है इंटरेस्ट है आमको लास्ट मागिजी कौन टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द टीवी टीवीटा पाई से केते टंका दे छंती ऑलरेडी से 16,000 दे सारी थिले 16,000 ऑलरेडी दे थिले एबे 1800 टंका एक्स्ट्रा देले टोटल केते टंका हैला सॉरी टीवीरो दाम 16,000 टंका थिला एबे से इंटरेस्ट केते देले 1800 टंका एक्स्ट्रा देबे तारे टोटल दाम केते हेगला 17,000 केते 800 टंका हेगला से टीवीटर मूल्य 17,800 टंका जोटा कि ऑप्शन सी हम आम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे देखी दिखाँ 11 नंबर क्वेश्चन दि स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन दि रेशियो ऑफ 6:7 इफ दि सेकेंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन दि स्पीड ऑफ दि फर्स्ट ट्रेन इज कौन कही दुईटी ट्रेन बा दुईटी रेलगाड़ी बेगर अनुपात आमको दे दी 6:7 जदि सेकेंड ट्रेन टी 364 किलोमीटर को 4 घंटा रे कवर करुची तेबे फास्ट ट्रेन टी रो बेग निर्णय करो प्रथम ट्रेन टी रो बेग आमको बाहर कर दुईटा ट्रेन थिला ए आउ बी ट्रेन भावी नंतु तो प्रथम ये कौन देखिए आमको रेसीो कहार देखिए स्पीड रो रेसीो कहार रेसीो देखिए आमको स्पीड एस स्पीड अनुपात ये 6 स्पीड गला बेले बी केते 7 स्पीड रे जाउचे किंतु आउ गुटे देची ए जो बी केते जाउचे 364 किलोमीटर डिस्टेंस केते कवर करूची 364 किलोमीटर को केते घंटा रे टाइम नउची केते घंटा 4 घंटा एटी यार स्पीड भी बाहर करी परिया स्पीड रो फार्मूला कोन आमे डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस केते होची 364 डिवाइडेड बाय टाइम केते 4 4 रे काटिले 4 × 9 = 36 4 × 4 तारे यार स्पीड केते हला 91 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे से 91 किलोमीटर धाले जाऊँगी 1 घंटे 91 किलोमीटर जाऊँगी तो ये स्पीड रो अनुपात के 7:1 ताले ये 7:1 रो वैल्यू के 91 संगे समान तो एक भाग रो वैल्यू 7 भाग रो वैल्यू ताले 91 हेले 1 भाग रो वैल्यू के 7 रे काटि दिंतु 13 91 1 भाग रो वैल्यू ताले 13 पाइले तो आमको मागिजी कौन फास्ट ट्रेन टी रो स्पीड केते भाग 6 भाग ये 6 भाग रो वैल्यू बाहर करियार अच्छी 1 भाग रो वैल्यू जदि 13 है 6 भाग रो वैल्यू केते हे 13 × 6 × 13 = 78 किलोमीटर प्रति घंटा एमती सब ट्रिकी क्वेश्चन आसो बहुत इजी क्वेश्चन आसो आप जमारू वरीड हूँ ना तो
जितकी प्राक्ट सैट दि हूँ सबक प्राक्ट करूँ इजिली आपू सब क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ऑप्शन सी हम तेल कौन हम राइट आंसर। बार नंबर क्वेश्चन को जी चलत कौन कही वर्किंग फाइव आवर्स ए डे ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन एट डेज एंड वर्किंग सिक्स आवर ए डे बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन टेन डेज वर्किंग एट आवर्स ए डे दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन कौन कही देखि दिंतु वर्किंग फाइव आवर्स ए डे कौन कह दिन को पांच घंटा कार्य कर ए एक कार्य को आठ दिन में शेष करम जिनस पुणी आम कही वर्किंग सिक्स आवर दिन को चार घंटा कार्य कर कार्य को केत दिन शेष कर दस दिन में शेष करदी से एकाठी कम करेंगे दिन को केत घंटा आठ घंटा जदि दिन को एकाठी कम करेंगे तेबे सही कार्यटी केते दिन रे शेष हम एमती सब क्वेश्चन को आपण माने कौन एलसीएम मेथड रे कले भी आपण सॉल्व कर परिबे किंतु मु आपण को जो मेथड कहूँ से मेथड रे इजिली सॉल्व कर परिबे। देखंतु ए आउ बी कार्य करिबे ए एक घंटा रे केते कार्य करूची से ए एक घंटा रे केते कार्य करूची प्रथमे बाहर कर दियंतु पांच घंटा कार्य कले से आठ दिन नौची पांच घंटा कार्य कले आठ दिन नौची तो एक घंटा कार्य कले केते दिन नबो एक विभक्त के आठ पंचांग चालीस आठ आउ पांच को गुणन करवा कहीं पांच घंटा कार्य करते दिन में आठ दिन में तो एक दिन कार्य सॉरी एक घंटार कार्य आम बाहर करते पांच गुणन आठ हो पांच गुणन के आठ हो प्लस कहार बी रार्ज बी एक घंटार कार्य के बाहर कर गुणन के दस होगा कौन एक घंटार कार्य किंतु से माने दिन को केते घंटा कार्य करेंगे दिन को आठ घंटा कार्य करेंगे बास आमर एटा को समाधान कर दिंतु आमर आंसर बाहर ये केते हेला एक विभक्त चालीस हेला प्लस ये केते हेला एक विभक्त षाठी हेला गुणन केते अच्छी आठ अच्छी यार एलसीएम केते हो चालीस आउ षाठी एलसीएम आसीज शहे कोड़े चालीस रे केते गुणन कले शहे कोड़े हम चालीस तीरी षाठी दुणे इंटू केते अच्छी एट अच्छी यहाँ है तीन दुई पाँच ये शहे कोड़े गुणन के अठर अच्छी पाँच रे काटतु पाँच रे काटिले ये हो चबीस सरी अठर नुह यहाँ हूँ आठ चबीस पंचांगे शहे कोड़े ट्वेंटी फोर यटा को पुणी आम काटिपर आठ रे काटिले आठ तीन चबीस तो आम पाखे के एक विभक्त तीन है आमको ओल्टे लिखा जाए थ्री डेज तेल केत लगे तीन दिन लगे जोटा कि ऑप्शन ए हम आमको ऑप्शन ए हो राइट आंसर ये जो गोटे धाड़ी फास्ट धाड़ीटा को आपको बुझेबा कहले कि धाड़ी को ओमिट करदे ये धाड़ी को टोटाली लिखे ना तो आपंकर एक दुई तीन यनटा धाड़ी आपंकर एनसर बाहर लास्ट को भी आपको तो लिखा पड़ोन एक व्यक्त जेहतु तीन जापुर डायरेक्ट थ्री डेज एनसर लिखे तेल यही तीनटा धाड़ी आपंकर एनसर बाहर जीव चलत नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा तेरह नंबर क्वेश्चन कौन कह देखि दिंतु कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर टू इयर्स एट 4% पर एनम इज 2448 सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स विल बी कौन कही किछि टंका उपरे चक्रवृद्धि सुध दुई वर्ष रे चारि शतकड़ा चक्रवृद्धि सुध हार रे केते आसुची 2448 टंका हेउची तेबे ए जो सही साम बा समान मूलधन उपरे समान सरल सुध एवं समान समय रे केते टंका हमरो सिंपल इंटरेस्ट बा सरल सुध बाहर सेटा हमको कैलकुलेट करिवार अछि एटा जदि आपण छोटो ट्रिक को मन रखिबे ए क्वेश्चन को इजीली बाहर करि परिबे गोटे जिनस देखंतु हमको मागिची कोन सिंपल इंटरेस्ट मागिची सिंपल इंटरेस्ट जिन तो मागिची सरल सुध केते शतकड़ा रे चारि शतकड़ा सरल सुध रे केते वर्षर दुई वर्षर गोटे जिनस देखंतु दुई वर्षर जदि सरल सुध हुए गोटे वर्षर चारि शतकड़ा हाले दुई वर्षर केते शतकड़ा हबो चारि शतकड़ा गुणन दुई हेले केते हिजो आम पाखरे आठ शतकड़ा ए आठ शतकड़ार भैल्यू आमको बाहर करिवार अछि एटा सरल सुध रे किंतु कंपाउंड इंटरेस्ट रे देखि दियंतु चारि शतकड़ा अछि केते वर्ष दुई वर्ष एटा को डायरेक्ट गुणन करके आठ लिखी हेनी कहीं कहीं ये सुध उपर सुध बाहर हुए
सुध उपर सुध बाहर कराए तेनाली केमती लिखा एमती लिखा जाए चारि शतकड़ा युक्त चारि शतकड़ा युक्त चारि चारि गुण चारि विभक्त केते विभक्त शहे हुए तो ये गला चारि चारि आठ शतकड़ा आठ शतकड़ा युक्त चार चौ के षोह विभक्त शहे तो ये आठ शतकड़ा ये केते हला पॉइंट वन सिक्स हो गला तो केते जो वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट रो कंपाउंड इंटरेस्ट ताली केते हला दुई वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट केते जो 8.16% एटा होची कंपाउंड इंटरेस्ट रो दुई वर्ष रो फॉर्मूला ताले आमे पार्थक्य कोन देखंदो सिंपल इंटरेस्ट सरल सुध सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि सुधटा काही की अधिका हुए केते अधिका हला पॉइंट पॉइंट वन सिक्स अधिका हला काही की ये सुध उपर सुध बाहर करा जाए कहे कि ता माने आपण तो एटाकू ऑलरेडी जल्दी बाहर करेंगे आमको आठ शतकड़ार भैल्यू बाहर करार अच्छे सिंपल इंटरेस्ट जो मागिच आठ शतकड़ार भैल्यू बाहर करदे आम एनसर बाहर जीव कि आमको गोटे जिन देखी दिंतु कंपाउंड इंटरेस्ट देती के चौबीस अड़चाश तो 8.16% भैल्यू आमको के चौबीस अड़चाश यू जदि आम 1% भैल्यू बाहर करदे तो 8% भैल्यू इजिली बाहर कर 1% भैल्यू केमती बाहर कर 2448 डिवाइडेड बाय 816 विभक्त केते 100 हेतांता से 100 टाकू आमे उपरे गुणन करे पॉइंट उठेतिले बा दशमिक उठेतिले 100 हेतांता एटा को आमे कोन उपरे गुणन करि देले एठी जदि आपण टिके जिनसो लक्ष्य करिवे इजीली कटि जइबो देखि दियंतु इज 8 रे 816 रे डायरेक्ट 3 गुणन को ले जइयो 318 लास्ट डिजिट को आपण माने सदा बले लक्ष्य करिवे 318 आठ हाथ लायक तीन के तीन चारि तीन अष्टांश चौबीस बास 816 को तीन थर रे कटि जा चौबीस अड़चाश ताल एक शतकड़ार भैल्यू केतला 300 टंका एक शतकड़ार भैल्यू जदि 300 टंका है आठ शतकड़ार भैल्यू के आठ तीन चौबीस 2400 टंका हम तेल सरल सुध के 2400 जोटा कि ऑप्शन बी हम आम राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो जदि वीडियो टी आपको भल लगे लाइक शेयर और कमेंट करने को जमार भूलिबे नहीं पुणी आम संध्या बेले नहीं कि आसपा नुआ गोटे सेट।